नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट वन परिक्षेत्र उत्तर लामता क्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1271 वन परिक्षेत्र गुरुडू का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के रेत ठेकेदार के कर्मचारियों ने रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से फॉरेस्ट भूमि में बड़ी संख्या में चट्टान और पेड़ों को खोदकर रोड बना दी है, जिससे रेत का परिवहन किया जाता है। इससे पहले रेत ठेकेदार द्वारा एक किसान के खेत में सड़क बनाकर रेत का परिवहन किया जा रहा था। उक्त किसान द्वारा अपनी निजी भूमि से रेत से भरे डंपर ले जाने से मना करने पर रेत ठेकेदारों ने रातों रात वन भूमि में सड़क का निर्माण करवा लिया। ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना वन मंडल उत्तर लामटा के वन मंडल अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव को दी है। वन विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर वन भूमि और वन परिक्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया है कि बगैर अनुमति के रेत ठेकेदार द्वारा रेत परिवहन के लिए वन परिक्षेत्र गुडरू के कक्ष क्रमांक 1271 में सड़क बनाकर रेत का परिवहन किया जा रहा है। इस पर उत्तर सामान्य वन मंडल अधिकारी के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। वन विभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक और दिनांक 23/3/2021 वन अपराध प्रकरण दर्ज करते हुए जांच में ले लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में कुकड़ा रेत खदान में कार्यरत कर्मचारी संलिप्त हैं। सर, अभी एक मामला आया था रोड वन विभाग की जमीन में रेत माफी द्वारा वन मतलब रोड बना दिया गया है, कैसा क्या मामला है इसमें? देखिए, कल हमारे संज्ञान में आप ही लोग के बीच में से किसी के द्वारा लाया गया है कि हमारा जो उत्तर लामटा परिक्षेत्र है उसमें कक्ष क्रमांक 1271 जो गुडरी बैरियर के पीछे लगता है, वहाँ पे किसी ठेकेदार द्वारा जो भी वो काम कर रहे होंगे रेवेन्यू एरियाज़ में प्राइवेट एरिया में, उनके द्वारा उस जंगल के रास्ते में 1271 कक्ष क्रमांक में हमारे जंगल की ज़मीन से वाहनों की निकासी की गई और थोड़ा बहुत उन्होंने रास्ते को प्लेन किया है। तो इसमें हमें तत्काल जब हमें सूचना मिली थी तो हमने अपने परिषद अधिकारी को सूचित किया था, वो तत्काल मौके पहुंच के उन्होंने मौके का मुआयना किया और थोड़ा बहुत उन्होंने उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जंगल के रास्ते से वाहन को निकाला गया है और इसमें अज्ञात में प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। हमने सख्त निर्देश दिए हैं, कभी भी इसको दोबारा होता है तो उसमें तत्काल इसकी विवेचना भी होगी और अगर दोबारा इस तरह प्रयास उनके द्वारा किया जाता है तत्काल उनकी जेसीबी या डंपर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो जब्त किए जाएंगे अगर वो जंगल के रास्ते निकल रहे हैं। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।